अप्रैल के शाम को आने की सूचना प्राप्त हुई है। नीतीश कुमार अपमानित करने का काम करते हैं, ये मैं खुली चुनौती देता हूँ। पूरे मोदी समाज को गाली देने का काम पिछड़ा का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री बना। नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। टीएनटी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। आपको बता दें, आज पटना पहुंच रहे हैं, 2 अप्रैल को सासाराम में आयोजित सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शिरकत भी करने वाले हैं। उसी दिन नवादा के हिजुआ में आयोजित लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा जिलों में 2 कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह 1 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। वह रात में रुकेंगे, यानी आज रात विश्राम करेंगे। अगले दिन रोहतास जिले के सासाराम शहर जाएंगे। उस कार्यक्रम के बाद वह नवादा भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह 5वां बिहार दौरा माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सभी 40 सीटें जीतने की योजना बना रहे हैं। गृह मंत्री का दौरा इसी से संबंधित है। वह समय समय पर आएंगे और स्थिति का आकलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। अमित शाह इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां आ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने पटना में सम्राट अशोक के नाम पर कन्वेंशन हॉल बनाने का श्रेय लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुन रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सभा की पूरी तैयारी भी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ फिर बदल की भी सूचना मिली है। अभी सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पर लोग आए थे, कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल को ही वो बिहार आ जाएंगे। नहीं, 1 अप्रैल के शाम को आने की सूचना प्राप्त हुई है। शाम में आएंगे और रात्रि विश्राम पटना में करेंगे और सवेरे यहाँ से दोनों कार्यक्रम को देखेंगे। पार्टी कार्यालय में भी कोई बैठक है उनकी पार्टी के नेताओं के साथ? अभी तय नहीं हुआ, बैठक जैसे ही तय होगी तो आपको सूचना। नीतीश कुमार ने कहा काम हम लोग करते हैं और दिल्ली से कुछ लोग आते हैं और क्रेडिट ले जाते हैं। किस चीज का? कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका क्रेडिट दिल्ली वाले आते हैं और ले जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो पता भी नहीं होगा कि सम्राट अशोक के बारे में कोई कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है। नीतीश कुमार जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से। नीतीश कुमार जी बताएं कि सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल से लेकर सम्राट अशोक के हॉल जो सभी नगर निकाय में बनाए गए, उनको पता भी था क्या? वो तो नाम बदलना चाहते थे इसका, और जब मैं हटा उनसे तो उन्होंने तो उसमें बापू सभागार, उसमें ज्ञान भवन कर ही दिया। नीतीश कुमार अपमानित करने का काम करते हैं, ये मैं खुली चुनौती देता हूँ। राहुल गांधी को पटना से भी जो है नोटिस जारी किया गया है, समन जारी किया गया है। देखिए, वो न्यायालय तय करेगा। यदि पूरे मोदी समाज को गाली देने का काम पिछड़ा का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री बना और उसके बाद राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। तो सुना आपने, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि सारी राजनीति नीतीश कुमार ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बीजेपी की वजह से बना है। हमने हर जिला मुख्यालय में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन जब नीतीश कुमार हमसे अलग हुए तो उन्होंने नाम बदल लिया। उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल झूठा था। बिहार दौरे पर अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शिरकत भी करने वाले हैं। इसके बाद शाह मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक द्वारा स्थापित लघु शिलालेख देखने भी जाएंगे। इस बार का उनका दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्राट अशोक का यह शिलालेख बिहार का इकलौता शिलालेख है। अमित शाह इस शिलालेख को देखने जाने के बहाने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश करेंगे।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।